स्वागत है आपका एनएस न्यूज एक्सक्लूसिव में, मैं हूं रंजीता पठारे। गीतकार जावेद अख्तर की पत्नी और अभिनेत्री शबाना आजमी सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई है। खालापुर टोल प्लाजा के पास पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर उनकी कार ट्रक से टकरा गई। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल अभिनेत्री शबाना आजमी को एमजीएम हॉस्पिटल पनवेल में भर्ती कराया गया। जब यह हादसा हुआ उस समय कार में अभिनेत्री शबाना आजमी के पति जावेद अख्तर भी कार में सवार थे। हालांकि उन्हें चोट नहीं आई है। हाल ही में शबाना के हस्बैंड जावेद अख्तर ने 17 जनवरी को अपना 75वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। उन्होंने अपने बर्थडे को काफी स्पेशल तरीके से एंजॉय किया। उन्होंने दो पार्टियां होस्ट की थी, एक पार्टी 16 जनवरी की रात को तो वहीं दूसरी पार्टी 17 जनवरी की रात को हुई थी। पहली पार्टी में उन्होंने पुराने दिन को याद करते हुए रेट्रो थीम पर ऑर्गेनाइज किया था और सभी को इसी थीम पर आने के लिए कहा था। वहीं दूसरी पार्टी में उन्होंने मुंबई के 5-स्टार होटल ताज लैंड्स में दी थी, जिसमें बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारों ने शिरकत की थी। शबाना की हालत को लेकर एमजीएम हॉस्पिटल से अपडेट भी आ गया है। शबाना के नाक में चोट आई है, इसके अलावा उन्हें शरीर पर कहीं और चोट नहीं आई है। एक्ट्रेस का उपचार अभी भी चल रहा है। अब उनकी बात करें तो डॉक्टर का कहना है कि वे अभी भी शॉक में हैं, इसीलिए उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। शबाना के साथ सड़क हादसे की खबर सुन लोग भी हैरान हो गए। फिल्म और राजनीतिक जगत से एक्ट्रेस की सलामती के लिए दुआएं आनी शुरू हो गई है। महान गायिका लता मंगेशकर भी इस खबर से काफी दुखी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं ये सोचकर काफी दुखी हूँ कि शबाना जी का एक्सीडेंट हो गया। मैं दुआ करती हूँ कि वे जल्द ही रिकवर करेगी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के नेता संजय निरुपम और जयंत पाटिल ने भी शबाना की सलामती के लिए दुआएं मांगी है। इसके अलावा कई बड़े बड़े दिग्गज नेता भी है, अदाकारा भी है और बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी है, जो शबाना को जल्द ही रिकवर होने के लिए दुआएं मांग रहे हैं। आज के लिए इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए एनएस न्यूज़ एक्सक्लूसिव के साथ। थैंक यू।